जुनौर से नेक्स्ट कॉलर है सुलेखा जी स्वागत है आपका जी 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 सर नमस्ते जी, जी नमस्ते नमस्कार बताइए का दर्द है रहे पैरों की बहुत दिक्कत है कमर में भी बहुत ज्यादा दिक्कत है पैर छूट जाऊंगे कितनी उम्र है मम्मी की पचास साल सर कब से है दर्द सवाल मेरा दो हो गया तो वजन बढ़ा तेरे पंगावन तो किलो तो 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 ठीक है ठीक है ठीक है और सवाल वजन बढ़ रहा मम्मी का भी सौ तो किलो हो गया सर है दिक्कत है रात को सो जा

दौड़ने वाला भागने वाला गेम खिलाइए कुछ बच्चों के साथ रोज़ाना एक दो घंटे कि वो भागा भाग उनको लगे रहे इधर से भाग के उधर गए उधर से भाग के इधर आई इस उम्र में दवा देना ठीक नहीं है ग्रोथ पे फर्क पड़ सकता है और वो उसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है जैसे ही ये भागना दौड़ना शुरू करेंगे तो इनकी लंबाई बढ़ने लगेगी और चौड़ाई कम होने लगेगी अच्छा मम्मी का आपके जो दर्द है उसके लिए एक तो घर में वेस्टर्न टॉयलेट ऐसा कुर्सी वाला होना चाहिए ठीक है उस पर वो फारिग हो और उनका खूब ऐसे ही ख्याल रखें भोजन उनको जितना खाते हैं उससे आधा दीजिए वो क्योंकि चल फिर नहीं पाते तो वो जिसम बढ़ रहा है और आधा ग्राम गौन से सुबह और शाम और खाने के बाद देना शुरू करें और पानी से देना और अगर ये चल फिर नहीं सकते हैं तो धूप में बिठाया जरूर करें एक घंटा तब इनको फायदा होना मुमकिन है आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट लगाना अनिवार्य है मेरठ से अगले कॉलर हैं सिया राम जी हमारे साथ स्वागत है आपका बताइए हेलो जी, जी आदावत बताइए हो गया था और मेरे डॉक्टर से इलाज भी करा रहा मैं हंड भी रहा हूँ चल भी रहा हूँ आज लेकिन नस नहीं खुल खुलती ठीक है। पैरालिस के लिए परलाइसिस के लिए आदमी को खूब ज्यादा लहसन खाना चाहिए लहसन पाँच दस पीस रोजाना एक एक निवाले में चबा के खाने चाहिए निवाले में रखकर चबा के खाएं फिर निवाले में रखकर एक एक लहसन चबा के खाते रहें कम कम से ज़्यादा ज़्यादा ऐसे ज़रूर खाया करें और जैतून का सिरका तीन चम्मच सुबह तीन चम्मच शाम अगर छह सात महीने तक आप यूज करें तो आपकी ये नर्व भी खुलना मुमकिन है नेक्स्ट कॉलर हैं उत्तराखंड से एमएल यादव जी हमारे साथ स्वागत है आपका नमस्कार बोलिए बात हो रही है ना जी, जी साहब ऐसा है हमारे पंजों में जो है दर्द होता है बिल्कुल पंजों अच्छा पंजों में दर्द होता है ऊपर पिनियों में आता है घुटनों में कमर में इस तरह दर्द होता है काफी दिनों से है तीन चार साल से ये हमारी उम्र पचहत्तर तो साल है जी अच्छा और ये हाँ ये ठीक नहीं होता हाँ देखिए इसको ठीक करने के दो तरीके हैं एक तो देखिए पाँच छ साल से दर्द है पाँच छः महीने आपको यूनानी को देने होंगे और यूनानी भी ऐसी जो नुस्खा आप बनाएं और बना कर खाएँ आप अपनी मर्जी मत चलाना कभी कभी क्या होता है कि आदमी कुछ डॉक्टर की मर्जी कुछ अपनी मर्जी चलाता है देखिए एक तो आपके घर में ये टॉयलेट होना चाहिए ज़रूर ये नहीं होगा तो फ़ायदा देर से होगा है तो बहुत अच्छा अपनी ज़रूरत लैटिन बाथरूम की इस वाले बाथरूम पर आपको पूरी करनी है ठीक है आपकी नसें दबी हुई कमर में जो पैरों की तरफ खून सप्लाई करने के लिए जाती हैं इनको खोलना है इनको ताकत देनी है तो उसके लिए एक गोंद आता है गोंद सियाह बहुत मशहूर है बहुत प्रचलित है आ, लेकिन नकली मिल जाता है असली लेना आपकी जिम्मेदारी और फ़ायदा पहुंचाना ऊपर वाले की जिम्मेदारी मशवरा देना मेरी जिम्मेदारी ये 100-200 ग्राम बस ख़रीद लें असली होना चाहिए कड़वा बहुत होता है नकली बहुत मिलता है आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम इसको पाउडर बना लें और या गोलियाँ बना लें इसकी और ये 100-200 ग्राम ख़त्म होने से पहले आपको रोग मुक्त करने की सलाहियत रखता है आप इसे शुरू करें अगर एक महीने में भी फ़ायदा हो जाए तो पाँच महीने खाना आप। ये ये मेरी आपसे शर्त है कि ताकि दोबारा ये वापस ना लौट सके नेक्स्ट कॉलर है शिव शंकर ठाकुर जी स्वागत है आपका कहाँ से बात कर रहे हैं हाँ हेलो हम बिहार से कर रहे हैं बिहार से चलिए सवाल करिए अपना वो देखिए पखाना भी कब्ज रहता है पखाना कब्ज रहता है और बताइए क्या आ, आए, दर्द भी रहता है कमर में ये अफवाओ में में भी है। कब्ज के लिए आप लीजिए ये आता है अरंडी का तेल गाँव में आपके बिहार में पता नहीं क्या कहते हैं अरंडी का तेल कहते हैं गाँव में या इसे इंग्लिश में कैस्ट्रॉल ऑयल कहते हैं जो हर मेडिकल स्टोर पे मिलता है दो चम्मच रोजाना पिया करें और बाद में पानी पी लिया करें इस पर ठीक है और ये जो दर्द आपके होता है इसका बड़ा अच्छा नुस्खा है और वो ये है कि गोंद सिया एक काले गोंद को कहते हैं काला गोंद असली लेना है 100 ग्राम या 200 ग्राम जैसे भी आप ले सकते हैं ये कड़वा बहुत होता है नकली बहुत मिलता है असली लेने की जिम्मेदारी आपकी आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाएं और ये अपने खत्म होने से पहले आपको रोग मुक्त कर सकता है अगले कॉलर हैं अमरोहा से नगमा स्वागत है आपका अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब मेरे फोर्टी सेवन का जो है एज की हुँ हुँ। अब मेरे जहाँ से ईड की अधिक शुरू होती है बैठने की जगह वहां पे मेरे दो साल पहले दर्द हुआ था अब मैंने डॉक्टरों की दवाई करी मैं ठीक हो गई एक डेढ़ साल के बाद अब फिर मेरे दर्द है अब मैं एक दिन ऐसी बैठ गई घर पे नीचे बैठने से तो मेरे इसके ऊपर ही बहुत तेज दर्द हुआ बहुत तेज और अभी तक दर्द है मेरे अभी पिंडलियों में तो दर्द है मेरे कम से कम सात आठ साल हो गए बच्चों से दवाती हूँ जब आराम मिलता है एक मेरी बेटी की प्रॉब्लम है मेरी बेटी तेईस साल की है दो साल पहले मैंने के आज जून अकबर मंगवाया था उसकी उसका वजन बहुत कम है और हाइट भी पांच फुट से कम है और वजन है थर्टी सेवन वजन है उस बिटिया का तो वो हमने तीन डिब्बे खाए थे तो उससे भूख तो बड़ी थी पर वजन भी एक डेढ़ किलो बढ़ा था फिर डॉक्टर साहब से बातें हुई काफी टाइम हो गया अब बिटिया की अब भी यही है वही वजन है नहीं बढ़ पाता और जी वाइफ डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम है शांति बिटिया ठीक है मैं समझ गया अच्छा देखिए आपकी तकलीफ बहुत ज्यादा है और इसके लिए आप देखिए ये नसें दबी हुई कमर में अभी एम आर आई आपने नहीं कराया तो ऐसे लोगों के घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट जरूर होना चाहिए नहीं है तो जरूर लगवाएं अगर आप ये चाहते हैं कि आप पूरी जीवन भर सुरक्षित रहें और ये दर्द फिर ना हो तो वेस्टर्न टॉयलेट नहीं हो तो लगवा लीजिए और उस पर अपनी ज़रूरत पूरी किया करिए और देखिए कैप्सूल टी केयर टी फॉर टाइगर कैप्सूल टी केयर सुबह शाम एक एक कैप्सूल खाएं और पाँच से दस दिन इंतज़ार करें ये रगें दबना शुरू हो गई जो पिंडलियों में आप पे दर्द होता है ना खिंचाव होता है और ये रुला देती है इतना भी दर्द होता है कि लोग आंसुओं से रो पड़ते हैं कोई दर्द की दवा भी कभी कभी असर नहीं करती ये मर्ज की दवा है एक महीने में भी ठीक हो जाए तीन चार महीने खा के छोड़िए अच्छा देखिए बच्ची का आपका वज़न बढ़ा था और बाई डिस्चार्ज होने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था तो वही माजून अखरोट जो आप खिलाते हैं दें और लेडी डॉक्टर से बात कर लें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर वो बच्ची की भी करा सकते हैं वो उनकी अंदरूनी बातें जो मुझे पूछने में लज्जा आएगी या हम भारत में रहते हैं यहाँ पर एक वो है सिस्टम है कि हम कितनी बात कर सकते हैं ऑन एयर लाइव कितनी नहीं कर सकते तो लेडी डॉक्टर बच्ची से या आपसे पूरी बात करेंगे और उनकी उनको डाइट चार्ट भी देंगे कैसे कैसे करना है तो वो लेंगे तो उनको फायदा होना मुमकिन है भोपाल से अगले कॉलर हैं चंद्र कुमार यादव जी स्वागत है आपका नहीं मैं चंद्र कुमार यादव जी बोल रही हूँ नमस्ते मैडम नमस्कार ये आपके आप ही का नाम है ना जी जी मैं चंद्र कुमारी यादव बोला है मैंने कुमारी कुमारी जी जी जी, जी सर जी। नमस्ते सर जी यादव जी आपका कार्यक्रम में बहुत दिनों से देखती आ रही हूँ और कई दिनों से सोच रही थी कि आपसे बात हो जाए हो जाए परंतु हो नहीं पाई आज हो रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत मेरे ये है थोड़ा सा मेरे बहुत बहुत हाथ पे दर्द होते हैं पीढ़ियों पीढ़ियों में दर्द काफी रहता है और एक साइड एक पैर में सीधे पैर की तरफ एक साइड दर्द रहता है ऊपर से नीचे तक कितनी, कितनी उम्र है आपकी मेरी छाछ है सर दी आपकी दी। तो बच्चों की सी आवाज लग रही है इनकी उम्र की नहीं, नहीं।, <coughs> नहीं सर ठीक <laughs> ठीक अब बहुत अच्छा हुआ मैंने आपकी उम्र पूछ ली अच्छा देखिए दो चीजें हैं इलाज के लिए आप सुनती तो है प्रोग्राम मैं बताता हूँ या तो मिल जाए गौन सिया गौन सयाह नकली ना मिल जाए असली मिले और ये आपको सिर्फ सौ ग्राम ख़रीदना है या सौ डेढ़ सौ ग्राम बस इतना काफ़ी है आ, ये आता बहुत महंगा दस बारह हजार रुपये किलो आता है इसलिए लोग नकली भी बना लेते हैं तो आपको तो सौ ग्राम ख़रीदना है ये कड़वा बहुत होता है नकली बहुत मिलता है मिल जाए सौ ग्राम भी असली तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाइए आप देखिए दो चार दिन पाँच दिन शायद कुछ फ़ायदा ना हो तो घबराना नहीं ये दुनिया की बेहतरीन जड़ी बूटी है गोंद की शक्ल में और ये सौ ग्राम ख़त्म होने से पहले आप रोग मुक्त हो सकते हैं आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट होगा तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे अपनी ज़रूरत इस पर पूरी करनी चाहिए और ये नहीं मिले असली लेना नकली मत लेना नहीं मिले तो कैप्सूल टी केयर टी फॉर टाइगर सुबह शाम खाएं इससे भी आपको फ़ायदा मुमकिन है तो चलिए चंद्र कुमारी जी आपको फायदा ही फायदा हो जाएगा अब आपने इतना, इतना इंतजार किया था कि आपकी हकीम साहब से बात हो जाए आपका वो इंतजार भी खत्म हो गया है आपने नुस्खे भी जान लिए हैं तो आप इनका सेवन यानी कि नुस्खों का सेवन जल्द से जल्द कर लीजिएगा कोई भी रॉ मटेरियल मिलने में दिक्कत परेशानी होती है तो हकीम साहब की कंपनी से आप मंगवा सकती हैं जिसके लिए आप क्वेरी कर सकती हैं हमारी हेल्पलाइन नंबर पर जिन कॉलर्स का कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पाया है वो सभी कॉलर्स भी हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से हकीम साहब आपने अपना वक्त हमें कीमती दिया कीमती नुस्खे आपने दर्शकों को बताया आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को जी तो दर्शकों फिलहाल के लिए आप मुझे भी दीजिए इजाजत नमस्कार